हेलो दोस्तों, स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। और आज गुरुनीति जेई के हम आठवें लेक्चर की बात करेंगे। इससे पहले सात लेक्चर हम आपको दे चुके हैं और आठवां लेक्चर का जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है वो है ईथर कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट। और इससे पहले हमने एल्कोहल फिनोल के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे थे। कार्बोनिल कंपाउंड को हमने दो पार्टों में डिवाइडेड किया है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पार्ट यहाँ आ रहा है और जो जनरल इंट्रोडक्शन है, और सेकेंड पार्ट में उसके रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन है। सभी जानते हैं माइसेल पारसी देवाल और मेरे साथ है नदीम सर। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सीक्वेंस ऑफ थ्री स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको एक कन्वर्जन करना है, इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है। तो एक सिंपल सा मेथड, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें चूज करना है कि तीन स्टेप कौन सी यूज में ले जिससे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। पहला है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिडक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो हमें पता है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर एल्काइल ग्रुप का रिडक्शन किस में होगा, वो तो ऑलरेडी रिड्यूस है, तो इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। सेकंड फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो पहले एसाइलेशन करवाते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3 कार्बन से हम एसाइलेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन, अगर हम CH3 CH2CO Cl और AlCl3 से कराएं तो ये लेविस एसिड Cl को ले लेगा और ये इस पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। केवल एक बार ही एसाइलेशन हो जाएगा। एल्काइलेशन में ये प्रॉब्लम होती है, वहां पॉली एल्काइलेशन की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि रिंग एक्टिव होती है, यहां तो रिंग डीएक्टिवेट हो रही है। तो फर्स्ट जो कंपाउंड बना ना इस रिएक्शन से, वो बना अपने पास ये वाला और ये बन गया CO CH2 CH3। फिर बोला है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये जो कंपाउंड है एल्काइलेशन हमने करवाना है, तो ये जो कंपाउंड है ये वाला है मेटा डायरेक्टिव और इसका फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएंगे। वापस से हमें इस कार्बन से करवाना है, तो ये ले लो CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 ले लो, ठीक है। या फिर आप ये ना लेके डायरेक्ट भी ये ले सकते हो, ये Cl और AlCl3 ये वाला भी ले सकते हो। ये लोगे तो कार्बोकैटायन का रिअरेंजमेंट हो जाएगा, ये नहीं लोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये Cl मेटा डायरेक्टिंग और ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसकी मेटा पोर्शन पे जाके ग्रुप जुड़ जाएगा। तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा CO CH2 और ये CH3 और ये वाला बन गया। इसके बाद बोला है रिडक्शन, तो आप अब इसका रिडक्शन करवा दो। CO ग्रुप किसमें चला जाएगा, CH2 में क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दो, वुल किशनर रिडक्शन करवा दो, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सही। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो आपसे बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए कह रहा है, एक जैसे इसमें एक सर ने बताया कि पॉली एल्काइलेशन, तो बेस्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट बाय फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा दो, और एक है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन करा के उसका रिडक्शन करो। तो बेटर मेथड जो होता है वो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन करा कर आप कराओ रिडक्शन, अगर एल्काइल बेंजीन बनाना, क्योंकि पहले अगर एल्काइलेशन करा दिया तो रिंग पहले से क्या हो जाती है, ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो पॉली एल्काइलेशन प्रोडक्ट का चांस बढ़ जाता है। तो अगर एल्काइल बेंजीन भी बनाना है फ्रीडलक्राफ्ट मेथड से, तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा, एसाइलेशन देन रिडक्शन। क्यों सर? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन है, सिंपल सी है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की साइनाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो एक सिंपल सा कांसेप्ट बनता है इसमें, देखो कार्बन कार्बन और ये सी ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल, चार कार्बन आ गए तो ब्यूटेन नाइट्राइल, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PHMgBr। रिएक्शन जो होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां अटैक करेगा और ये यहां से यहां, तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CCC डबल बॉन्ड N-MgBr और यहां पे क्या जुड़ गया PH। उसके बाद एसिडिफिकेशन करवाया है तो ये यहां से टूट जाएगा, बिल्कुल ठीक है, HOH H और OH, तो इधर तो बन जाएगा आपके पास, दूसरी साइड तो बन जाएगा NH2 MgBr और इधर आपके पास बन जाएगा कार्बन कार्बन
सी डबल बॉन्ड ओ और ये पीएच, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो एच आ गए तो एच को क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो फाइनली कीटोन अगर बनाना है साइनाइड से ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन करवाते हो तो कीटोन बनता है। डायरेक्ट आंसर निकालना है ना, तो डायरेक्ट वे अगर आपको देखना है कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है तो डायरेक्ट वे यही है कि ये स्केलेटन है लगाओ, इसको सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर दो, इसका ग्रिग्नार्ड एजेंट ताकि यहां पे ग्रिग्नार्ड एजेंट का एल्काइल ग्रुप यहां पे जोड़ दो तो कीटोन बनेगा। इस कंडीशन से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक पॉइंट इसमें ये है कि कुछ लोग जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर इस ये फर्दर नहीं रिएक्ट कर सकता ग्रिग्नार्ड एजेंट से, ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों जब पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया था उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाया होगा, तो अगर मान लो आपने एक्सेस में ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल भी रखा है तो जैसे ही ये प्रोडक्ट बनाओगे वो सारे ग्रिग्नार्ड एजेंट किसमें बदल चुके होंगे, एल्केन में बदल चुके होंगे। तो मतलब सर ये कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस अगर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट का करवा दिया तो खत्म हो, तो रिमेनिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इन हाइड्रोकार्बन, वहां ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बचा हुआ है, जितना रिएक्ट करना था रिएक्ट कर गया, उसके बाद अगर बचा हुआ भी है तो वो हाइड्रोलाइसिस में एल्केन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां ऑप्शन चूज करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, 2,4 डीएनपी टेस्ट है कार्बोनिल, और ये कार्बोनिल का कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है, तो इसका मतलब गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, तो कार्बोनिल ग्रुप तो इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। यहां भी एल्डिहाइड है, यहां कीटोन है, यहां एल्डिहाइड, तो तीनों की पॉसिबिलिटी है उतने स्टेटमेंट तक। उसके बाद हमें ये बोला है इट आल्सो गिव्स सिल्वर मिरर ऑन रिएक्शन विद अमोनिकल AgNO3, सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब ये कौन सा टेस्ट है, टॉलेंस एजेंट टेस्ट है, और टॉलेंस एजेंट एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता, तो ये भी कैंसिल हो गए। क्लियर, तो ये दो तो ऐसे कैंसिल हो गए। आगे फिर बोला है इट गिव्स एन अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट NaOH, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है कंसंट्रेट NaOH से, तो रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। तो अगर मैं इसकी करवाता हूं तो भी बन जाएगा, इसकी करवाता हूं तो भी बन जाऊंगा, इसकी करवाऊंगा तो क्या बनेगा आपके पास, इसकी करवाऊंगा तो बनेगा ये CH3 एजिट रह जाएगा, इसका एक बार सोल्ट बना दो CONa+, और एक बार इसी का क्या बना दो एल्कोहल बना दो, यही तो होता है कैनिजारो में डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, तो यहां मैंने ऑक्सीडेशन करवाया सोल्ट बन गया, और यहां मैंने उतने ही कार्बन का क्या बना दिया एल्कोहल बना दिया, ये मैंने कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पे ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके करवाता हूं तो भी बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा CH2OH+ ये CO- N, ये भी कैनिजारो करवा दी मैंने इन दोनों की। अब आगे क्या बोला है इट यील्ड बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एल्काइन KMnO4, तो अगर एल्काइन KMnO4 मतलब आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन, तो इनके ऑक्सीडेशन से तो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। इससे 1,3, 1,2,3 ये भी COH में, ये भी COH में, ये भी COH में 1,2,3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये ऑप्शन बेसिक गलत हो गया, आंसर ही चला गया थर्ड पे, तो आंसर चला जाएगा आपके पास हो जाएगा थर्ड, क्योंकि 1,2 पे आना चाहिए तो ये जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, ये लो द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हमें करना था। देखो यहां BR की जगह BR यहां से निकला और CN आया, तो BR को बाहर निकालना है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन में तो न्यूक्लियोफाइल आना है, वो BR की जगह ही आना चाहिए था, तो ये पहले एलिमिनेशन हुआ होगा उसके बाद ये CN आया होगा, तो एलिमिनेशन वाला ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएजेंट है ना, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी बेंजाइन मैकेनिज्म, और बेंजाइन मैकेनिज्म में ये रिएजेंट जो है ना वो H अक्ष को क्या करता है बाहर करता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। तो इस क्वेश्चंस को हम लगाए तो आपके पास दिया हुआ है ये वाला, समझे आप, इधर यहां ओ एम ई दिया हुआ है और यहां बी आर दिया हुआ है, तो इस लिविंग ग्रुप मतलब हेलोजन के रेस्पेक्ट में और तो हाइड्रोजन बाहर होती है, एच आपके पास यही एच है, एन ई लिक्विड एन ए एन एच टू ये दिया हुआ है,
तो यहां से ये HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो पहले बेंजीन बन जाएगी, बेंजाइन बन जाएगी, सॉरी ये वाला कंपाउंड बन गया आपके पास बेंजाइन। अब बेंजाइन में इसका लगेगा माइनस आई, इसका यहां प्लस आर ऑपरेट नहीं करेगा इस पाई बॉन्ड पे, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है और रेजोनेंस थ्रू कर रहा है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो माइनस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वहां पे जो NH3 है NH2H, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव और पॉजिटिव पे कौन जुड़ जाएगा, NH2, तो ये बना OME और यहां आपके पास आ गया NH2 और इधर आ गया H। उसके बाद आगे रिएजेंट आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, वो दिया है NaNO2 डाइल्यूट HCl, मतलब नाइट्रस एसिड, जो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन को कन्वर्ट करता है डाइजोनियम सॉल्ट पर, फेमस रिएक्शन है, सबको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा कन्वर्टेशन हो जाता है। यहां NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, रिएक्शन का नाम जैसा सर ने बोला है डाइएजोटाइजेशन, NH2 किसमें बदल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OME N2 प्लस Cl माइनस। फिर आगे हमें दिया है CuCN और हीट, तो ये रिएक्शन भी सबकी पड़ी हुई है CuCN और हीट, रिएक्शन का नाम है गार्टरमान रिएक्शन, और N2 की जगह क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, OME और ये CN, क्या हमें यही कन्वर्जन करना था, डेफिनेटली यही कन्वर्जन हमें करना था, तो ये बन गया आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा, ऐसे आप अलग को चेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा, सबका रिएजेंट का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सबको आना भी चाहिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया हुआ कोल्ब रिएक्शन। हां, ये फर्स्ट यहां से यहां तो हुई है कोल्ब रिएक्शन, ठीक है, तो ई जो प्रोडक्ट बना है ना वो तो बना है सैलिसिलिक एसिड OH और ये COH, उसके बाद यह है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3CO और ये COCH3, इस रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन, रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन, और यहां एसाइलेशन होगा ना तब क्या होगा, ये H बाहर हो जाएगा, मतलब H की जगह एसाइल ग्रुप आ गया, इसलिए एसाइलेशन। ये भी एग्जांपल है एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, रिएक्शन हम ऐसी डेरिवेटिव में इसकी बात करेंगे, एस्टरीफिकेशन भी करते हैं इसको, एस्टरीफिकेशन भी पढ़ाया गया, और ये CO और ये CH3 और ये COH, एक फेमस कंपाउंड आपके पास बन गया है, नाम है एस्प्रिन, नाम कंपाउंड का है एस्प्रिन। तो सिंपल सा है, पहले कोल्ब रिएक्शन हुई तो ऑर्थोपर्सन पे CH ग्रुप जुड़ गया, उसके बाद यहाँ पे आप ये ले सकते हो या CH3COCl ले सकते हो, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, या फिर CH3COH और H+, जब एसिड की प्रेजेंस में लोगे तो इसी रिएक्शन का नाम हो जाएगा एस्टरीफिकेशन, ठीक है। और इसका एक बार ध्यान रखना है, एस्पिरिन का IUPAC ने भी पूछा था 2-acetoxy बेंजोइक एसिड, इसका ये 1 और 2 इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है एसीटो 2-acetoxy बेंजोइक एसिड, ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, एक कन्वर्जन दिया हुआ आपको करना है, इस Br को अनरिएक्टिव रखना है आपको, और इस CO ग्रुप को उसने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, CH2, तो इसके लिए जैसे ये रिएजेंट है तो ये तो है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, ये भी करता है, ये कर तो देगा, बट अगर ये रिएजेंट डालोगे ना तो वुल्फ किस्टनर रिडक्शन को मैं बोलता हूं WKR, ये रिएजेंट है ये, तो अगर ये डालोगे ना तो ये डबल बॉन्ड O और यहां दिया आपको Br और ये मैंने डाला WKR, तो देखो आप क्या होगा, ये रिएजेंट देखो आप एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक KOH या एथेनॉल के साथ बेसिक मीडियम है, और आपको पता है एल्कोहलिक KOH मतलब एल्कोहल और OH-, ये क्या करता है, डीहाइड्रोहाइलाइजेशन भी करता है, तो यहां पे ये तो बन जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट साथ के साथ यहां से ये HBr को भी क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो इससे तो ये बनेगा, सही बात, तो ये तो एप्रोप्रिएट रिएजेंट नहीं है। फिर रेड फास्फोरस और I2 ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, रेड फास्फोरस I2, रेड फास्फोरस I2 Br को भी रिड्यूस कर देगा,
सही बात, ये थोड़ा सा इसको सही कर लिया आप, रेड फॉस्फोरस एच आई है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है यहाँ पे, रेड फॉस्फोरस एच आई आएगा, रेड फॉस्फोरस आई टू नहीं आएगा। तो रेड फॉस्फोरस और एच आई जो है ना वो इस बीआर और इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, मतलब ये रिएजेंट अगर डालोगे ना उसपे तो ये वाला बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कर देता है। जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl सभी जानते हो क्लिमेंसन रिडक्शन है, और क्लिमेंसन रिडक्शन इसके लिए बेस्ट है जो CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, एल्किल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्लोरल फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट। तो पहले तो क्लोरल की बात करें तो क्लोरल ये होता है CCl3CH2, हाइड्रेट मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या इसका स्टेबल हाइड्रेट बनता है क्या? तो यहां पे क्या होगा, ये एच और ये ओ एच, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये यहां से यहां, ये इधर गया और ये ओ एच, तो क्या बना Cl 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 और ये COH और ये OH और ये H। वैसे तो हम बोलते हैं एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है, क्यों होता है अनस्टेबल, उसका रीजन है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। बट यहां इस केस में ये क्लोरल हाइड्रेट है, दिस इज क्लोरल हाइड्रेट और स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहां क्या हुआ है स्टेबल हुआ है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, तो ये बात सही है स्टेबल हाइड्रेट बनाता है, बाकी अदर नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनाते हैं क्योंकि H2 का एडिशन कराओगे तो वापस H2 निकल के वापस उधर चला जाएगा। मेथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन एथेनॉल, तो ये HCOH ये मेथेनॉल हुआ और ये CH3COH ये एथेनॉल हुआ। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम किससे कंट्रोल होती है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से और स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो न्यूक्लियोफाइल आप इसको डायरेक्टली समझें कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर से इधर गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया तो ये भी इस पे भी अटैक कर सकता है, ये गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया इस पे भी अटैक कर सकता है। आप देख लो ज्यादा इजी वे में अटैक न्यूक्लियोफाइल का कहां होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कम होगी। तो यहां एक तो एच का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता है, यहां CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा और इसका प्लस आई भी लगेगा, जब प्लस आई लगेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसको तो R2 बोलू, इसको R1 बोलू, तो R2 फास्ट होगी किससे, R1 से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस भी मिनिमम है तो न्यूक्लियोफाइल इजी वे में अटैक कर जाएगा। एक इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर भी ज्यादा है, यहां उस इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर को ये प्लस आई से क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स KCN, वेरी शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये देखो ये CO ये प्रोटोनेटेड हुआ और ये दूसरा ये अनप्रोटोनेटेड हुआ, तो देखो यहां से इधर जाने की स्पीड और इसमें इधर जाने की स्पीड, मान लो ये इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसको R1 बोलता हूं, इसको R2 बोलता हूं, तो R1 मच ग्रेटर है कंपेयर टू R2, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता है, वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रोपीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यहां इन पाई इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्ट होने की रेट जो है वो इनसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर जाएगा आलोप दीच। नेक्स्ट चूज द ऑर्डर दैट हैज फॉलोइंग कार्बोनिल ग्रुप्स करेक्टली अरेंज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी NaBH4। तो NaBH4 में से अटैकिंग स्पीसीज कौन होती है, H- क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां भी रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहां भी रिएक्शन होगी, वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी। तो आप हमें वही देखना है कि यहां CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई, यहां इन दोनों CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई, यहां CF3 का क्या लग रहा है, माइनस आई, यहां CH3COCl और इस Cl का क्या लग रहा है, माइनस आई। यहां ये वाला कंपाउंड ना ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, एसिड हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि Cl का माइनस आई लग रहा है इसलिए यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, सही बात। तो सबसे ज्यादा तो एसिड हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के लिए ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल के लिए मोस्ट रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड है, तो फोर तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बाकी एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू
कीटोन्स। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप खुद दिमाग लगाओ ना, एल्डिहाइड में एक तरफ एच होगा, एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, तो एच की तरफ से तो स्टेरिक इंफ्लुएंस लग ही नहीं रहा है। कीटोन में तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो दो का प्लस आई भी लग रहा है, दोनों का स्टेरिक इंफ्लुएंस भी लग रहा है, तो ये एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अब इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें माइनस आई लग रहा है, तो फिर सेकंड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा। मतलब रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई। इस कंसेप्ट को आपको लगाना है, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज होती है तो भी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कंसेप्ट पे अगर आंसर की तरफ हम जाएंगे तो आंसर हमारा फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप या तो इन चारों को तोड़ के चेक कर लो भैया, आपको रिएजेंट का पता होना चाहिए। यहां पता लग रहा है NaOI, ये हैलोकोन डिस्कस हो चुकी है, हैलोकोन। तो हैलोकोन देने के लिए पहले तो ये स्केलेटन होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो इसका तो मतलब ही नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं है, इसमें भी मतलब नहीं है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। तो अगर ये हैलोकोन देगा तो ये बनाएगा उसी का एसिड, उसी का ये वाला, ये COCH3 है, तो ये तो गया हैलोकोन में, और बाकी इधर आपके पास दूसरा कंपाउंड बन जाएगा वो ये CO- Na+ और ये डबल बॉन्ड O। उसके बाद हाँ, उसके बाद H+ दिया है ना, H लगा, तो ये H लग जाएगा इस पे, तो ये बन जाएगा ये बात, ठीक है। ऐसे इसकी बात करूंगा तो इसमें केवल एक यही तो एक्स्ट्रा है, ये तो है ही नहीं ना, तो इसका भी फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आपको हीट दी हुई है, ठीक है, हीट दी हुई है, तो हीट दे रखी है आपको, तो यहां पे आप देखो ये तो हो गया अल्फा और ये बीटा, मतलब दिस इज बीटा कीटो एसिड एसिड, और ये भी अल्फा और बीटा बीटा कीटो एसिड। जब बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो वो डीकार्बोक्सिलेशन शो करता है, मतलब CO2 बाहर हो जाती है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो यहां से भी CO2 ये बाहर हो गई, तो ये H यहां चला गया, मतलब ये वाला बन रहा है, इसमें ये CH3 यहां ये CO2 बाहर चला गया, तो यहां तो ये बनेगा, CO2 को बाहर करने के बाद यहां ये बनेगा, और इसमें CO2 को बाहर करने के बाद ये वाला बनेगा। करेक्ट आंसर फिर थर्ड चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमें पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तो यहां भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। एक थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन है, इसको हमें ऑप्शन बेस्ड हमें करना है, तो यहां पे पहले तो ये बन जाएगा, ये वाला बनेगा सबसे पहले, क्योंकि H+ अटैक करेगा H2 बाहर कार्बन है। अब क्या होगा, ये रिंग की स्ट्रेन रिलीज होगी और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि रिंग की स्ट्रेन रिलीज हो रही है यहां पे, और जैसे ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां ये बनेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सिक्स मेंबर कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड तो यहां आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे, सॉरी यहां पे, अब यहां से H+ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो दो बेंजीन रिंग नेप्थिलीन आंसर। नेक्स्ट, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विद OH-। अब देख लो, जिस रिंग में जितनी ज्यादा स्ट्रेन है वो उतनी ही ज्यादा तड़प रही है ओपन होने के लिए, तो स्ट्रेन सबसे ज्यादा, 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग, ये वाला यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो ये सबसे जल्दी जल्दी ओपन होगी, क्योंकि इसमें स्ट्रेन मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। 3 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 6 मेंबर रिंग सबसे लीस्ट रिएक्टिव, तो OH-2 तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर नेक्स्ट। ये आपको एक कन्वर्जन करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क बेस्ट एज द रिएक्शन स्टेप टू कैरी आउट कन्वर्जन बिलो। ये जो कन्वर्जन आपको करना है, तो आप देखिए यहां पे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रखे हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन को आप पकड़ के चले एक बार, देखिए इसको क्या होता है,
B2H6H2O2 सबको पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत कई बार बात कर चुके हैं। एंटी मार्कोनिकोप, एंटी मार्कोनिकोपियम, या फिर एक हमने लाइन बोली है OH वहां जहां भीड़ कम, तो यहां पे इस पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये बन जाएगा PHCH2CH2OH और ऑक्सीडेशन, यहां भीड़ कम है यहां भीड़ ज्यादा है तो OH। फिर ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर PCCCH2Cl आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो यहां पे PCC डालोगे तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, इट अंडरगोज आयडोफोम टेस्ट व्हेन सैचुरेटेड विद HCl, इट गिव बी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H14O, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा ये इसका कनेक्शन है, तो इसको हम देखेंगे। तो पहले तो हमें बोला C3H6O, तो C3H6 में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, CH3CH2COH, CH3CO CH3। ठीक है, अब पीछे आप जाएंगे तो बोला कि इट अंडरगो आइडोफोम टेस्ट, तो यहां आइडोफोम टेस्ट ये तो नहीं देता है, तो नहीं देगा, कीटोन देगा ये वाला, ये तो आइडोफोम टेस्ट नहीं देता है, ये वाला आइडोफोम टेस्ट देता है क्योंकि इसमें वही स्केलेटन प्रेजेंट है जिसकी हमने बात की है, ये वाला मेथिल कीटोन स्केलेटन। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि व्हेन सैचुरेटेड विद HCl इट गिव बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H14, इसको सैचुरेटेड किया आपने HCl के साथ तो C9H14O बना। आप क्या देख पा रहे हो कि 3 कार्बन से 9 कार्बन हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस कंपाउंड का ट्राइमराइजेशन हुआ है, वो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, तो HCl है ना एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू, हाँ, तो ये HCl एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा और एल्डोल कंडेंसेशन होगी 2 टाइम्स 4-1 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो अगर हम बात करें तो देखो इधर डायरेक्ट करो तो ऐसे कर सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H2 CH डबल बॉन्ड O और CH H2, फिर इधर लिया मैंने C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये CH3, यहां से H2 बाहर हुआ, यहां से H2 बाहर हुआ, फाइनली प्रोडक्ट बना CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड सी और सी एच थ्री, तो ये कंपाउंड तो बन गया और इस कंपाउंड का नाम है आपके पास, इसको बोलते हैं फोरोन। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई कैसे है उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा हुई है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जिसका न्यूक्लियोफाइल बनता है उस पर अटैक होता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल दूसरे मोल का इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जिसका न्यूक्लियोफाइल बनाया है उसका ऑक्सीजन उसका एच टू बाहर होता है और जिसपे अटैक करवाया है उसका ऑक्सीजन बाहर होता है। तो पहला जब हम रिएक्शन को करवाएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3CH2CH डबल बॉन्ड O CH3, तो मैंने इसका तो बनाया न्यूक्लियोफाइल और इसका बनाया मैंने इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां से H2 बाहर हो जाएगा, कंडेंसेशन करवा रहा हूं मैं, केवल एल्डोल पे नहीं रोक रहा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले बना आपके पास ये वाला CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO और ये CH H2, फिर से हो जाएगा उधर से, फिर अब मैं इसका वापस से न्यूक्लियोफाइल बनाऊं और तीसरा मॉलिक्यूल लू इलेक्ट्रोफाइल, तो ये CO CH3 CH3, तो वापस न्यूक्लियोफाइल बनाया उसका H2 और इसका ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा फोर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद देखो हटाना, ऑप्शन देखते हैं, हटाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है कि ए और बी रेस्पेक्टिवली है, तो ए तो आपका प्रोपेनोन है, सही बात, तो इसका तो मतलब नहीं है, और प्रोपेनोन यहां तीनों में प्रोपेनोन है। फिर आपके पास जो आगे वाला कंपाउंड बना वो ये वाला बना था 2,6-dimethyl 2,5-heptadiene 4-O-1, इसको चेक करने आपके पास ये बना है, मेसिटाइलिन नहीं बनता, मेसिटाइलिन तो 2 मोल जब एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं तब मेसिटाइलिन बनता है, जो पहला कंपाउंड बना था अपने पास पहला H2 बाहर निकालने पे वो मेसिटाइलिन था, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, फिर वापस वही है, करेक्ट रिएक्टिविटी कंपाउंड टुवर्ड्स साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन,
मतलब साइनोहाइड्रीन मतलब क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN से करवाते हैं, तो H यहां जाता है और CN यहां जाता है, ये OH और ये CN, this is called साइनोहाइड्रीन, अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहां भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी ही पूछी है, मतलब यहां इस क्वेश्चन का मतलब यही है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी पूछी है। तो देखो यहां ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक रिंग बनी हुई है, और ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होता है कंपेरेटिव टू एलिफेटिक, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में आपको क्या होगा, सी ओ एच, जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाने आओगे तो ये इधर से इधर जाएगा, तो ये अटैक करे जरूरी नहीं है, इधर से इधर ये इलेक्ट्रॉन भी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर सकते हैं, इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यहां डी होगा, जो कि क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। फिर उसके बाद इस पे OH का क्या लग रहा है, प्लस आर, प्लस आर है तो रिएक्टिविटी कम होगी, जैसा मैंने अभी पीछे बताया है। यहां NO2 का क्या लगेगा, माइनस आर, और वो सिंपल, तो फिर सबसे ज्यादा बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, सॉरी डी के बाद आ जाएगा, डी के बाद बी, बी उसके बाद ए और उसके बाद सी। नेक्स्ट ये कन्वर्जन करना, एक सिंपल क्वेश्चन है बहुत, मतलब ये आपको ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये H है और ये O O जुड़े हुए हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास एसीटेल, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसीटेल, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत सिंपल वे में हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है, आपको इधर से तोड़ना है, दोनों ऑक्सीजन तोड़ने हैं, तो इधर H और इधर OH, इधर H और इधर OH, तो इधर क्या बना, इधर तो बन गया CH3CH2OH, ठीक है, अब ये उधर उधर आपके पास बन गया ये वाला, ये OH, और इधर पे आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। अब आपके पास A और B बन गया, A है वो ओनली एल्कोहल, तो ओनली एल्कोहल ये वाला है, A does not give hydrophone test, गलत है, A hydrophone test देगा, क्यों देगा, क्योंकि एक तो मैंने बोला ये स्केलेटन होना चाहिए, अगर ये स्केलेटन है एल्कोहल में तो भी हो जाए, तो भी वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि पहले हेलोजन उसको ऑक्सीडाइज करके इस फॉर्म में लेके जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, हाँ। तो अगर एल्कोहल में ये स्केलेटन है तो भी देगा, कार्बोनिल कंपाउंड में स्केलेटन है तो भी वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यहां इसमें ये स्केलेटन है, देखो यहां एच लगाओ ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, बी डज नॉट गिव टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट देगा क्योंकि एल्डिहाइड है, तो ये भी गलत हो गया, ए गिव्स हाइड्रोफोन टेस्ट, ए हाइड्रोफोन टेस्ट दे रहा है, बी इज अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, गलत है, अल्फा पे कहां है यार, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर करेक्टली मैच्ड, तो देखो यहां पे CCl4 ये तो राइमर-टीमान रिएक्शन हो गई, चाहे आप कोलबी रिएक्शन ले लो या राइमर-टीमान रिएक्शन ले लो, और फिर CH3CO वो अभी हमने हमने पिछले बताई थी एसाइलेशन रिएक्शन, सेलिसाइलिक एसिड, ये तो सही है, NaOH excess और CH3CH2 भी आर वन इक्विवेलेंट, NaOH excess में दिया तो ये दोनों चली जाएगी एच एसिडिक हाइड्रोजन और ये एच, फिर CH3CH2 भी आर, मतलब न्यूक्लियोफाइल बन गया, यहां भी बन गया और यहां भी बन गया, अब अटैक कहां से होगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन है, सही बात, तो यहां से होगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है, इसमें डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये गलत होगा, NaOH एक्सेस में, तो ये दोनों तरफ, यहां से भी एच, यहां से भी एच, तो यहां तो ये बन जाएगा ना ओ माइनस और ये ओ माइनस CH2Br और ये CH2Br, तो ये अटैक इस Br को बाहर, ये अटैक इस Br को बाहर, तो ये रिएक्शन सही है, फिर वही इसकी बात हम कर चुके हैं, ये रिएक्शन गलत है, ये गलत है, क्योंकि पहले COH जुड़ेगा तो ये गलत है। नेक्स्ट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंसंट्रेट HI की हम बात करते हैं, कंसंट्रेट HI एक्सेस में दिया हुआ है, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, देखिए पहले ये दिया हुआ है, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन करवाइए सर, तो आई एच आई H,
पहले तो ये हो जाएगा, सही बात। तो पहले ये बन जाएगा आपके पास 1-2% पे आई अनस्टेबल होता है, तो यहां से आई क्यू क्या हो जाएगा, बाहर एल्कीन बन गया, एल्कीन बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक्सेस में HI दिया तो HI का फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, तो बन जाएगा CH3CH2I। एक एक थोड़ा सा ये गलती हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन हमारे पास चार है, एक मिनट उसमें देखते हैं, कार्बन चार है, चार कार्बन है हमारे कंसंट्रेट HI सॉरी, तो यहाँ कार्बन हमारे पास कम हो गए, एक बार वापस से देख लेते हैं इसको, वापस से देख लेते ब्रेक तो उसी तरह से होगा, बस कार्बन कार्बन थोड़े से कम हो गए, तो ठीक है ये H H I और ये I, ये बन गया। फिर आगे क्या बोला है, मैग्नीशियम ईथर ग्रिग्नार एजेंट, ठीक है, और CO H, ठीक है, तो ग्रिग्नार एजेंट दोनों तरफ ग्रिग्नार एजेंट बन जाएगा, बिल्कुल, ये MgI और इधर भी MgI, फिर आपको दिया हुआ है COH और H2O, दोनों तरफ COH बन जाएगा, तो COH किया केवल CO2H+ CO2H+ और H2O, तो दोनों तरफ COH जुड़ जाएगा, ये COH कार्बन बढ़ जाएंगे, एडीपी एसिड अपने पास बन गया, एडीपी एसिड, यस, ठीक है। दूसरा बोला है आपको इधर से OH- माइनस और KMnO4 सब्स्टिट्यूशन पहले करा देते हैं इसका, तो OH- माइनस, तो OH- माइनस सब्स्टिट्यूशन कर देगा दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा OH OH, उसके बाद वापस से क्या दिया है, ऑक्सीडेशन करा देना है KMnO4, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट यहां कार्बन क्या हुए हैं, कम हो गए, कम हुए, ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कौन सा है क्या नहीं है, मोर देन वन है भाई, 1-2-3 दिस इज एडीपी एसिड, ये एडीपी एसिड है, चार कार्बन, ये पिमेलिक एसिड है, ये वाला, हाँ है ना सर, नहीं, हाँ सही है, ये पिमेलिक एसिड, एक मिनट, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5-6 यहां कार्बन हुआ, हम भी ज्यादा हो गए हैं, चार कार्बन रखने आपको, चार कार्बन नहीं, आंसर सही है ना, अरे एक मिनट, 1-2-3-4 हाँ इसमें भी कार्बन थोड़ा गड़बड़ हो गया, कार्बन गड़बड़ हो गया, कार्बन चार कर दो, इसको चार कार्बन हो जाएंगे, ये लो COH, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिक्सर, आइसोमेरिज्म की काफी हद तक बात कर चुके हैं, पहले ओजोनोलाइसिस होगा, ये यहां से ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो पहले इधर भी COH COH इधर भी COH, और इधर भी COH, फिर NH2OH एक्सेस में दिया हुआ है, आपको पता है ऑक्सिन्स बनती है, ऑक्सिन्स, यस, ठीक है, तो यहां से ये डबल बॉन्ड NOH, ठीक, और इधर भी डबल बॉन्ड NOH, और इधर भी डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N और OH, फिर द प्रोडक्ट मिक्सर, प्रोडक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट मिक्सर, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये देखो आप, यहां H लगा हुआ है, 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 तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि एक तरफ क्या है लोन पेयर और ये भी क्या है लोन पेयर, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इनके टोटल पॉसिबल हमें आइसोमर पूछे हैं, तो हो सकता है ये दोनों ई में हो, बिल्कुल, ठीक है, ये दोनों किस में हो, जेड में हो, हाँ। तो जब ये ई जे ई, ये दोनों ई में हो सकते हैं या ये दोनों ई में हो सकते हैं, बात ये क्यों हुई, या फिर एक ई में और दूसरा जेड में हो, ठीक है, बिल्कुल, तो यहां ये पॉसिबिलिटी आ गई, ई ई में हो, जेड जेड में हो, या ई जेड में हो, तो यहां पे आपके पास चार स्टीरियो सेंटर जनरेट हुए हैं, ये वाला भी जीआई शो कर सकता है, ये वाला भी जीआई शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, तो चार जगह से जीआई आ सकती है, तो चारों को मैं ई कॉन्फ़िगरेशन में रख सकता हूं, बिल्कुल, चारों को मैं जेड कॉन्फ़िगरेशन में रख सकता हूं, तो एक आइसोमर ये बनेगा जब चारों का ई कॉन्फ़िगरेशन हो, एक चारों का जेड हो, और एक ऐसा जिसमें एक ई हो और बाकी तीन जेड हो,
और एक ऐसा जिसमें एक जेड हो बाकी तीन ई हो, और एक ऐसा जिसमें दो जेड हो और दो ई हो, तो ये टोटल इसके आइसोमर जो आएंगे वो टोटल प्रोडक्ट का जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा 5। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीएच इन प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड और इट्स सॉल्ट। तो होट के मोनोफोर तो करता है, ये करता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कर देगा। कंसीडर केनिजारो, ये भी करेगा, ये भी करेगा। कंसंट्रेट के ओएच हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ओएच और एच ये भी आ जाएगा। कंसंट्रेट के ओएच यहां भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये भी दे देगा। ये रिग्नार एजेंट CO2 ये भी दे देगा। साइनाइड का एनालिसिस कराओगे ये भी दे देगा। KOH आइटो आइडोफोम तो इसी आइडोफोम ये सॉल्ट ये भी आ जाएगा। ये नहीं देगा, ये CH2NH2 में जाएगा, तो ये देगा। और बाकी ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करें, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमें बताएं। नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विद LiLH4 टू फॉर्म racemic मिक्सर। तो देखो यहां से आप यहां पे देखो, यहां पे ये चेंज होगा, यहां पे OH लगेगा और ये H लगेगा, ये काइरल सेंटर, बट ये फिक्स हो गए, डाइस्ट्यूमर बन गया। तो ये इसका तो दो पॉसिबिलिटी है, R और S, बट इसके साथ ये फिक्स है, मान लो ये R है तो R R और R R, तो ये तो डाइस्ट्यूमर बन गया, नहीं बनेगा। इसमें यहां काइरल सेंटर हुआ H, ये काइरल सेंटर, R और S दोनों बनेगा, ये बन जाएगा, इसमें काइरल सेंटर ही नहीं बनेगा। इसमें एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, LiLH4 सॉरी रिडक्शन करवाओगे, तो इधर CH2OH में कन्वर्ट होगा और इधर H, तो यहाँ काइरल सेंटर ही नहीं है, ये जो है ये ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। इसमें करवाओगे तो इसका इसमें भी काइरल सेंटर नहीं आएगा। इसमें CO ग्रुप किसमें बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा, NH और ये CH2 इसमें भी नहीं आएगा। इसमें जरूर आ जाएगा OH, ये काइरल सेंटर, तो इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी, और ये वाला पेयर ऑफ डाइस्टोमर बनेगा क्योंकि ये फिक्स है, तो ये एक बार इस पे जा सकता है, एक बार इस पे जा सकता है, तो दो आंसर आएंगे। बाकी आप लास्ट के दो जो इंटीजर क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व फास्टली करवाए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुद लगाएं उन क्वेश्चंस को, नहीं आए तो हमें कमेंट में लिख के बताएं, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। और अगर आप हमें लगता है कि आपको वहां प्रॉब्लम आई है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को दोबारा आपके लिए लेके आएंगे और उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।